हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 11th मैथमेटिक्स पार्ट वन चैप्टर नंबर 8 मेजर ऑफ डिस्पर्जन के एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। इफ देर आर 10 वैल्यूज ईच इक्वल टू 10, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज वैल्यूज इज। ठीक है, यहाँ पे 10 वैल्यूज है और सब 10 के इक्वल है, मतलब वैल्यूज होगी 10, 10, 10, 10, 10, 5 टाइम्स और 5 टाइम्स और। ठीक, ये वैल्यूज है, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना। जीरो आएगा बिकॉज सारी वैल्यूज इक्वल है। जब वैल्यूज सारी इक्वल होती है तो उसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो आता है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस जीरो है इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी जीरो है, क्योंकि कोई वेरिएशन ही नहीं है, सारी वैल्यूज इक्वल है। ठीक, अब ये 10 10 सिर्फ 10 टाइम्स नहीं, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स या 1000 टाइम्स भी होते तो भी वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो होता। बस ये देखना कि वैल्यू अगर सेम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस जीरो। और ये हम फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। ओके, एक्स आई का मतलब है जैसे आई की वैल्यू यहाँ से 1 टू लेके एन तक रहेगी, अपने क्वेश्चन में 10 तक, क्योंकि 10 वैल्यूज है। अब ये जनरली लिखा नहीं जाता आई इक्वल टू 1 टू n, बाई डिफॉल्ट ये सबको समझ आता है। जैसे आई की वैल्यू 1 तो x1, ये x1, x2, x3, यानी कि सारी वैल्यू का स्क्वायर करके सम करना। इधर इस फॉर्मूले से भी वेरीफाई कर सकते हैं, जीरो आएगा। और इसका एक और फॉर्मूला है, वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, यानी कि x1, x2, x3 में से x बार को माइनस करना, क्योंकि सारी वैल्यू सेम है तो x बार मतलब मीन ऑफ वैल्यूज इज 10। यस, 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 टाइम्स कितना, 100, 100 अपॉन 10 कितना, 10। सो एक्स बार 10 आएगा और सारी वैल्यू सेम होती है तो मीन वही रहता है। सो ये 10 आया, 10 में से 10 माइनस 0, 10 में से 10 माइनस 0, 10 में से 10 माइनस 0, स्क्वायर करेंगे तो 0 0 ही रहेगा और सब कुछ 0 ही बनेगा। यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, दोनों फॉर्मूले, लेकिन कुछ क्वेश्चन के लिए ये यूज करते हैं, कुछ क्वेश्चन के लिए ये यूज करते हैं, वो क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि कौन सा यूज करना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन 0। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ पेशेंट्स हु विजिटेड कार्डियोलॉजिस्ट आर 13, 17, 11, 15 इन 4 डेज, देन स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना, एक्स आई हमें गिवन है, एक्स आई इज इक्वल टू कितने कितने, 13, 17, 11 एंड 15। ओके, तो पहले वेरिएंस फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा रूट लेने पे। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसके दो फॉर्मूले हैं, समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, और दूसरा वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। मतलब एक्स आई माइनस एक्स एक्स बार का डिफरेंस फाइंड करो, स्क्वायर करो। ओके, एक्स आई एक्स बार का डिफरेंस फाइंड करो, स्क्वायर करो और फिर सबका सम करो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 4। ठीक, अच्छा, इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में डेटा किस अकॉर्डिंग गिवन है। हमें सेकंड फॉर्मूला तब यूज करना चाहिए जब रेंज बहुत ही कम है। जैसे इस क्वेश्चन में रेंज क्या होगी, लोवेस्ट वैल्यू 11, हाईएस्ट वैल्यू 17, तो रेंज हुआ 6, बहुत ही कम है। सो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और दूसरा रीजन फर्स्ट वाला फॉर्मूला नहीं यूज करने का, यहाँ पे हो रहा है एक्स स्क्वायर, मतलब 13 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, फिर सबका सम करना और अपॉन 4 करना, ये थोड़ा टफ कैलकुलेशन जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो 4 ही x की वैल्यू है, 4 ही नंबर है, इसलिए हो सकता है कि ईजी जाएगा, लेकिन इससे और ज़्यादा वैल्यू होती तो शायद टफ कैलकुलेशन बनती। बट 4 वैल्यू है ना तो भी सेकेंड फॉर्मूले से और इजी हो जाएगा। ठीक, एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड करते, पहले एक काम करते, बार लगा देते हो यहाँ पे, मतलब प्लस माइनस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वैसे भी स्क्वायर करने वाले, सो सिंपली डिफरेंस देखेंगे हम। अब एक्स बार क्या होगा, अगर आप नोटिस करो तो ये है 11 13 15 17, मिडल में कौन सी है, 14 है ना, सो एक्स बार इक्वल टू 14। वैसे प्रॉपर तरीके से कैसे फाइंड करेंगे, 13 प्लस 17 प्लस 11 प्लस 15 अपॉन 4, वो 14 ही आएगा। ठीक, एक्स आई मतलब ये वैल्यू माइनस एक्स बार यानी कि 14, मॉड लेंगे तो सिंपली डिफरेंस देखना, 14 माइनस 13 1, 17 माइनस 14 3, 14 माइनस 11 3, 15 माइनस 14 1। ठीक, ओके, एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर होल स्क्वायर,
1991, राइट। सो न्यूमरेटर में सम हो रहा है इनका, तो देखते हैं सम कितना है। इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 9 19 प्लस 1 20, ठीक। ओके एक्स बार को साइड में लिख देना, वैसे जरूरत भी नहीं, अभी हटा देते हैं इसको। सो वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आया है 20 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4, विच इज इक्वल टू 5। वेरियंस आया है 5, सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरियंस, यानी कि अंडर रूट ऑफ 5। अंडर रूट ऑफ 5 कितना, 2.23 समथिंग, अप्रोक्सीमेटली पूछा है ना, 2.23, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2%। ऑप्शन है ही नहीं, ओके आंसर तो यही है ना, 2.23। सो हो सकता है हमें इस क्वेश्चन में ये वेरिएंस पूछा है, अगर वेरिएंस पूछते तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है, तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा तो कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, बट आंसर है 2 अप्रोक्सीमेटली, मतलब इंटीजर में चाहिए तो, एग्जैक्ट चाहिए तो 2.23। ओके थर्ड क्वेश्चन, इफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए वेरिएबल एक्स आर -4, -20, -30, -44 एंड -36, देन द वैल्यू ऑफ द रेंज विल बी, ओके रेंज इज इक्वल टू, डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू, ओके डिफरेंस की बात आ रही है, इसका मतलब नेगेटिव आंसर तो हो नहीं सकता, सो ए एंड सी तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, चाहे कोई भी डेटा हो रेंज नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंस बोला ना, तो डिफरेंस मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक। इसमें लार्जेस्ट है -4, माइनस स्मॉलेस्ट कितना, -44, सो ये मन रहा -4 प्लस 44, यानी कि 44 माइनस 4, विच इज 40, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सप्रेसिंग इन परसेंटेज इज कॉल्ड, ओके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सिग्मा डिवाइडेड बाय मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक्स बार, एक्सप्रेसिंग इन परसेंटेज यानी कि इनटू 100, इसको क्या बोलते हैं, सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ऑप्शन डी करेक्ट, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज अंडर रूट 2, देन द वैल्यू ऑफ एन मस्ट बी, अच्छा ओके देखो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है याद रखना है, वेरियंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n² - 1/12, ओके वेरियंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज n² - 1/12, वेरियंस ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स दिस इज इक्वल टू n² - 1/3 एंड वेरियंस ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स इज ऑल्सो n² - 1/3, ठीक है। हम वेरिएंस के फॉर्मूले से प्रूव कर सकते हैं, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन से, ठीक है स्टैंडर्ड रिजल्ट है याद रखना, अभी यहां पे प्रूव नहीं करेंगे, ओके। हमें क्वेश्चन में दिया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, अच्छा वेरिएंस फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का n² - 1/12, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा अंडर रूट ऑफ n² - 1/12 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ठीक। तो एन का वैल्यू फाइंड करना, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो n² - 1/12 इज इक्वल टू 2, यानी कि n² - 1 इक्वल टू 24, मतलब n² = 25, सो एन मस्ट बी 5, ऑप्शन ए करेक्ट।
इस क्वेश्चन के लिए ये दो रिजल्ट की जरूरत नहीं, बस इसकी बात हो रही थी ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसके लिए बताया कि अगर फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर या फिर इवन नेचुरल नंबर है तब क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज कॉल्ड। ओके ओके ठीक है, मैथ्स के फॉर्म में लिखो, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट किसका, मीन। मीन मतलब सपोज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन है तो अपॉन एन करेंगे, मीन ऑफ, मीन किसका, स्क्वायर ऑफ, अच्छा स्क्वायर किसका, स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन मीन्स एक्स माइनस एक्स बार, ऑब्जर्वेशन का डेविएशन उनके मीन से उसका स्क्वायर हो रहा, और सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं सारे ऑब्जर्वेशन, सो यहाँ पे समीशन करेंगे और इधर आई लगा देते, मतलब आई डिनोट करेगा कि आई इक्वल टू 1 to n जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका उनके मीन से डेविएशन का स्क्वायर का मीन और फिर स्क्वायर रूट। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, यस ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखो ना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट, मीन, मीन मतलब अपॉन एन, ऑफ किसका, किसका मीन, स्क्वायर ऑफ डेविएशन, अच्छा पहले स्क्वायर की बात करें, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि एक्स का डेविएशन, एक्स माइनस किससे, मीन से यानी कि एक्स बार, और समीशन करेंगे सारे ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। यस, 7th क्वेश्चन, द वेरियंस ऑफ 19, 21, 23, 25, 27 इज 8, देन वेरियंस ऑफ 14, 16, 18, 20, 22 इज, ओके ओके, अगर ऑब्जर्वेशन 19, 21, 23, 25, 27 तो इसका वेरिएंस है 8, और अगर 14, 16, 18, 20, 22 ये ऑब्जर्वेशन है तो वेरिएंस कितना होगा ये फाइंड करना। सो अगर हम नोटिस करें तो 19 में से मैं 5 माइनस करूंगा तो 14 मिलेगा, राइट, माइनस 5 14 आ जाएगा, 21 में से 5 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, 23 में से 5 माइनस करेंगे तो 18, 23 में से 5 माइनस करेंगे तो 18, 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 20, सेम यहाँ पे माइनस 5 करेंगे तो 22, यानी कि ये जो ऊपर वाले ऑब्जर्वेशन है ना सब में मैंने माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 किया है, यानी कि ओरिजिन चेंज किया, सो वेरियंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, वेरियंस सेम ही रहेगा, मतलब वैल्यू ऑफ वेरियंस इज नॉट चेंज बाय द चेंज ऑफ ओरिजन। ठीक, द वैल्यू ऑफ वेरियंस इज नॉट चेंज्ड बाय द चेंज ऑफ ओरिजन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। 8th क्वेश्चन, फॉर एनी टू नंबर्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेंज, ऑप्शन बी करेक्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, फॉर एनी टू नंबर्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेंज। ठीक है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, देखो यहां पे मैं कोई दो नंबर ले रहा हूं ए एंड बी, ठीक है प्रॉपर टेबल बना के प्रूव करते हैं। अच्छा ए एंड बी लेने से बेटर 2a 2b ले लेते हैं, मीन फाइंड करना इजी रहेगा, मीन x बार इज इक्वल टू 2a प्लस 2b अपॉन 2 यानी कि a प्लस b, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n, n मतलब 2, अपने अपने केस में 2 ही है क्योंकि दो ही ऑब्जर्वेशन है, दो ही नंबर है। ठीक, तो पहले फाइंड करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे, सो एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई इज 2a माइनस एक्स बार इज a प्लस बी, और इधर है 2b माइनस a प्लस बी। सिंप्लीफाई करें अगर थोड़ा सा इसको तो 2a माइनस a माइनस बी यानी कि a माइनस बी, और इधर ये बन रहा b माइनस a। नाउ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, होल स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये होगा नहीं a माइनस बी होल स्क्वायर, और इधर होगा b माइनस ए होल स्क्वायर, b माइनस ए होल स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ना,
यस लिख सकते हैं. सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. ये एक्स आई माइनस एक्स बार समीशन करेंगे तो ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि टू टाइम्स ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन टू. टू से टू कैंसिल हो गया तो ए माइनस बी होल स्क्वायर और रूट, रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी. मॉड इसलिए लगाए क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो जीरो होता है या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता. ठीक, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आया. अब रेंज ऑफ टू ए एंड टू बी, ये होगा मॉड ऑफ टू ए माइनस टू बी. यस रेंज भी नेगेटिव नहीं होती बिकॉज रेंज होती है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो नेगेटिव नहीं होगी इसलिए मॉड लगाया. टू बार आ सकता ना मॉड से, टू तो पॉजिटिव है, सो ये बनेगा टू टाइम्स मॉड ऑफ ए माइनस बी. आप क्या नोटिस कर रहे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज हाफ ऑफ द रेंज अगर सिर्फ दो नंबर है तो. ऑप्शन बी करेक्ट. ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन. गिवन द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ए ग्रुप बी. ओके, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव फाइव स्टूडेंट है दोनों ग्रुप में और उनकी हाइट्स का डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है. ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ट्रू. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ द टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट आर द सेम. मीन्स ऑफ द हाइट्स ऑफ द टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट आर द सेम, मतलब मीन एंड रेंज के बारे में क्वेश्चन है. और ऑप्शन में है कि क्या स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू करेक्ट है, या दोनों ही करेक्ट है, या फिर दोनों ही करेक्ट नहीं है. अगर ऐसा होगा तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा. देखते रेंज फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करते हैं दोनों अलग अलग ग्रुप का. ओके, ग्रुप ए का रेंज, ग्रुप ए ले रहा हूं पहले और उसका रेंज फाइंड कर रहे हैं. रेंज होता है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू. लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, 150. यस 150. स्मॉलेस्ट वैल्यू 131. कितना हो रहा, 19. यस 19. एंड मीन, मीन ऑफ ग्रुप वन 131 प्लस 150 प्लस 147 प्लस 138 प्लस 144 अपॉन 5. 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 1 22, 6 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 एंड 3 21, 2 3 4 5 6 7, 7 10 अपॉन 5. ओके, 7 10 अपॉन 5 कितना हो रहा है, ये 142, 142. ठीक है, सेकेंड ग्रुप का रेंज एंड मीन. ग्रुप बी रेंज डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू. सो लार्जेस्ट इसमें 151 है और स्मॉलेस्ट 132 है. 151 माइनस 132 कितना हो रहा, 19. यस 19. ओके, रेंज तो सेम आ गई, मीन भी फाइंड करते हैं. मीन होगा 139 प्लस 148 प्लस 132 प्लस 151 प्लस 140 अपॉन 5. सो 1 3 11 11 9 20 2 6 11 14 18 21 2 3 4 5 6 7, 7 10 अपॉन 5. यस ये भी 142 आ रहा है. इसका मतलब रेंज भी सेम है और मीन भी सेम है. अब स्टेटमेंट वन में यही है कि रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ द टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट आर सेम एंड मीन ऑफ द हाइट्स ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट आर सेम. यस ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ वन एंड टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, टेंथ क्वेश्चन. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा इज 12, मीन इज 72, देन व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन 12 गिवन है, मतलब सिग्मा 12 है, मीन 72, मतलब एक्स बार इक्वल टू 72, और हमें फाइंड करना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि सीवी, विच इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100. ठीक है, सिग्मा है 12 एंड एक्स बार है 72 इंटू 100. सो ये इसे 6 टाइम्स, यानी कि 100 अपॉन 6, 100 अपॉन 6 मतलब 50 अपॉन 3. ओके, ये परसेंटेज में आ रहा है, जैसे इंटू 100 किया ना परसेंटेज में, कैलकुलेट करके लास्ट में परसेंटेज साइन लगाएंगे. ठीक,
कितने टाइम जाएगा, वन टू बचा तो 20 हुआ, सिक्स अगेन 20 हुआ, सिक्स अगेन 20 हुआ, सिक्स 16.66%, मतलब अप्रोक्सीमेट अगर बोले तो 6-7%। ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। ओके, इजी क्वेश्चन, ठीक है, असाइनमेंट कंप्लीट।